Ti Peli Shalai Riyasat Karai Ti Jede Peli Dafa Riyasat Ne Zimmedari Li Thi Apne Bewon Ki Yatimon Ki Gareebon Ki Boodon Ki Mazooron Ki Ye Peli Dafa Musalmanon Ki Riyasat Mein Ye Cheez Aayi Thi Ye To Maine Europe Mein Dekhi Scandinavia Mein Dekha कि वो किस तरह अपने गरीब तबके को ऊपर उठाते हैं और हाल ही में चाइना में देखो कि पिछले 30 साल में चाइना ने 70 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। ये वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हुक्मनामा तबीयत पे चल रहे हैं। नजरिए कभी खड़े होंगे पाकिस्तान कायम नहीं बनेंगे। हमें लोगों का हजूर होगा कौन नजरिया के पंथी और वो नजरिया क्या था पाकिस्तान का नजरिया क्या कितने लोगों को पता है हमें किस नजरिए के काम को लिखा। मैं आपके सामने आज विवादों के कारण मुझे भी कई देर तक पाकिस्तान के नजरिया में चढ़ा था। जैसे जैसे मुझे दीन की समझ आनी शुरू हुई तो मुझे एक चीज थी, एक चीज मेरे जहन पे आई कि जो अल्लाह मुसलमानों को कहता है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का निजाम बनाया था वो पाकिस्तान में जहां से नहीं आ रहा लेकिन वो मगरबी दुनिया में मुझे नजर आ रहा था। मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि मोहम्मद अब्दुल जो 100 साल से पहले यूरोप गए उन्होंने एक जुमला कहा, नौजवानों उन्होंने जुमला ये कहा कि यूरोप में मुझे मुसलमान तो नहीं नजर आए लेकिन बड़ा इस्लाम नजर आया। जब वो मिस्र गया तो कहता यह मुसलमान तो बड़े हैं लेकिन इस्लाम नहीं नजर आ रहा। तो मैंने अपने तजर्बे से जो मैंने मगरबी माशरे को समझा तो मुझे पहली दफा समझ आया कि फलाई रियासत क्या होती है। पाकिस्तान में तो कोई क्या फलाई रियासत नहीं थी। मैं जब पहली दफा बरतानिया गया तो पहली दफा मैंने समझा कि फलाई रियासत क्या बरतानिया में एक आम आदमी के लिए अस्पताल में मुफ्त इलाज, उसके बच्चे के लिए मुफ्त तालीम। वो बेरोजगार होता था तो हुकूमत पैसे देती थी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में जाता था तो हुकूमत उसको वकील करके देती थी। ये पहली दफा मैंने देखा और यही